हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि MNIT जयपुर यानी मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान में है, उसके अंतर्गत आता है। वहां से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने MNIT की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में ही वैकेंसी संबंधी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं एंड यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। तो सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोजिशन के लिए वैकेंसी है एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर AES MNIT/EST/2023-01 दिया गया है एंड 22 अप्रैल 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 4 पोस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर के लिए 5 पोस्ट हैं, लेबर टाइम की सैलरी दोनों में दी गई है एंड 1 वैकेंसी PWD के लिए दोनों में मिला करके है। सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसी है, 1 PWD के लिए है एंड यहाँ पर लेबर 6 की सैलरी मिलने वाली है। टेक्नीशियन में 4 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट में 2 है, जूनियर असिस्टेंट में भी 2 है एंड यहाँ पर लेबर 3 की सैलरी टेक्नीशियन में है, सीनियर में 4 है, जूनियर में 3 लेबल की सैलरी है। ऑफिस अटेंडेंट लैब अटेंडेंट के लिए 9 वैकेंसी है, लेबल 1 की सैलरी है एंड यहाँ पर इन चारों में मिलाकर के 3 वैकेंसी PWD के लिए रिजर्व है, 38 वैकेंसी टोटल यहाँ पर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एज लिमिट 30 ईयर मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम 55% मार्क्स के साथ में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास एम्प्लॉय सर्विस है सुपरिटेंडेंट SG1 या प्राइवेट सेक्रेटरी NFG इन पे बैंड 2 या ग्रेड पे 5400 पे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में यहाँ पर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या लॉ में मांगा गया है, साथ ही ई ऑफिस सिस्टम का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप CA हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार फिनांस एंड अकाउंट्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 35 ईयर एज लिमिट मांगी गई है, MBBS मांगा गया है, SQ इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल रजिस्ट्रार में होना चाहिए। रिजर्वल में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या MD जनरल मेडिसिन में है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। सुपरिटेंडेंट के लिए 30 ईयर एज मांगी गई है, यहाँ पर डिग्री फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है या SQ इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास मास्टर की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम 50% मार्क्स के साथ में है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए 27 ईयर एज मांगी गई है, 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में मांगा गया है, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में, या आपके पास 10+2 कम से कम 50% मार्क्स के साथ में है, साथ ही आपके पास ITI है 1 ईयर के हायर ड्यूरेशन या अप्रोप्रिएट रेट में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 10th क्लास पास आउट है 60% मार्क्स के साथ में, साथ ही आपके पास ITI सर्टिफिकेट के साथ में 2 ईयर के ड्यूरेशन का अप्रोप्रिएट रेट में ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर्स का ड्यूरेशन का है पॉलिटेक्निक तो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए 33 ईयर एज मांगी गई है, 10+2 यहाँ पर मांगा गया है, साथ ही आपके पास टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 ईयर एज है, यहाँ पर भी 10+2 के साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। ऑफिस अटेंडेंट लैब अटेंडेंट के लिए 27 ईयर एज है, यहाँ पर सिंपल 10+2 पास आउट मांगा गया है ऑफिस अटेंडेंट के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए भी 10+2 साइंस सब्जेक्ट में मांगा गया है
एंड फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मांगी जा रही है। यहाँ पर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू जो भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा वो केवल जयपुर MNIT में ही कंडक्ट कराया जाएगा। एंड बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 1000 की फ़ीस है, SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट के लिए 500 की फ़ीस आपको पे करनी है। फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आती है तो recruitment@MNIT.in पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए वेबसाइट पर चलते हैं। अप्लाई का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नेक्स्ट पर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैंने टेक्शन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ईमेल आईडी आपको मेंशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए किस तरह से आप फिर लॉगिन पे आएंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा, यूजर आईडी आपका मेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उसके बाद आप यहां से लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके 22 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।